स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी और ये स्क्रीन ब्लैक है क्योंकि ये आपकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ। या तो इस वीडियो को आप अभी कट कर दें और दूसरे वीडियो पे स्विच हो जाएं। दूसरा ऑप्शन, या तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो के बारे में जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में वो भूल जाएं। और तीसरा, वीडियो को देखें, शेयर करें और थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंट करें अपनी तरफ से इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो पूरा ब्लैक स्क्रीन में ही आपको दिखाया जाएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जी हाँ, आप मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, हम मर रहे हैं। इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हमने प्रकृति से जब जब खिलवाड़ किया है तब तब हमें अपनी मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अर्थ को एक सो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रकृति ने हमें हर बार अपना बदला हमसे लिया है। और आपको पता है, हमने अपने पेड़ पे खुलाड़ी खोदी पटकी है। आज हम, कोई हमें से इंजीनियर होगा, कोई हमें से डॉक्टर होगा, कोई हमें से बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, कोई ISDM पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हम लोग हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि प्रकृति भी एक चीज है। अगर ये ना हो तो ना तो हम इंजीनियर रहेंगे, ना हम डॉक्टर रहेंगे, ना हम पॉलिटिशियन रहेंगे, ना हम ही नहीं रहेंगे। जी हाँ, हम ही नहीं रहेंगे। आपको पता है, इस पृथ्वी को खत्म करने की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब एक बंदे ने अपने स्कूटर में किक लगाई थी। इस प्रकृति के खत्म होने की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब किसी शख्स ने उस खूबसूरत तालाब में एक पानी की बोतल फेंकी थी। इस प्रकृति की खत्म होने की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब इस दुनिया में पहली फैक्ट्री लगी थी और उस फैक्ट्री की पहली चिमनी से जो धुआं निकला था, तब से इस प्रकृति की खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। और अब जब चीजें हाथ से निकल रही हैं, जब दिल्ली जैसी सिटी में स्मॉग, जो कि जहरीला धुआं, आपको पता है दिल्ली जैसी सिटी में जो बंदा सिगरेट भी नहीं पीता है वो करीब करीब दिन में 15 सिगरेट पीता है। जी हाँ, क्योंकि वो सांस लेता है और दिल्ली में सांस लेने बराबर सिगरेट पीने के बराबर हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली जैसी हर हिंदुस्तान की और इस दुनिया की हर सिटी, हर शहर एक जैसे हो जाएंगे और हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। इससे जाए संभल जाओ, अभी ये स्क्रीन ब्लैक है, आने वाला कल हमारा इस तरह ही काला होने वाला है। हमारे पता नहीं किस दुनिया में कैसे जी रहे होंगे, हम होंगे या ना होंगे। इसलिए अभी चीजें हाथ में है, संभाल लिए जाए तो बेहतर है। कुछ इम्प्लीमेंट करो अपने तरफ से, कुछ तो सुधार लाओ। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो अगर आप अपनी बाइक से जाते हो तो बाइक को पूल करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक ही बाइक पे हो सके दो लोग जाओ, एक कार में चार लोग जाओ। कम से कम तीन कार कम चलेंगी तो थोड़ा प्रदूषण कम होगा। जितने ज्यादा पेड़ हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाओ अपने आसपास, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस आने वाली कयामत से बचा सकता है। जितना ज्यादा हो सके पशु पक्षियों की रक्षा करो क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, पशु पक्षी प्रकृति की ही देन है। अगर हम उनके साथ खेलेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खेलेगी। जितना ज्यादा हो सके कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करो क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जमीन में घुसकर भी कभी खत्म नहीं होती और जमीन को खत्म कर देती है। तो इस वीडियो को अगर आप चाहते हो जाना चाहिए तो इसको शेयर करो और कुछ अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करो। और प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो इस देश के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस विश्व के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए। जय हिंद।